रेवाड़ी में मंगलवार शाम को एक दुकानदार पर पेचकस से हमला कर उसके 30,000 रुपए के कपड़े लूटने के मामले में आज व्यापार मंडल के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक से मिले और बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि आपराधिक वारदातों की वजह से वो सहमे हुए हैं। रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की मांग कर रहे ये लोग शहर के विभिन्न बाजार के व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, जो व्यापारियों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं से सहमे हुए हैं। यही वजह है कि ये व्यापारी पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचे हैं। साथ ही 2 दिन पहले जिस दुकानदार के साथ वारदात हुई थी, उस मामले में जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग भी व्यापारियों ने की है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र छाबड़ा नाम के व्यापारी ने पंजाबी मार्केट में कपड़ों की दुकान की हुई है। मंगलवार शाम को करीबन 7:30 बजे वो रोजाना की तरह स्कूटी पर सवार होकर वापस घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आजाद चौक के पास पीछे से बाइक पर आए 3 युवकों ने उसकी स्कूटी को धक्का मारकर गिरा दिया और उसके साथ मारपीट कर पैसे छीनने की कोशिश की, जिसका उसने विरोध भी किया, लेकिन बदमाशों ने पेचकस से व्यापारी पर हमला कर दिया और व्यापारी जान बचाने के लिए एक मकान में घुस गया। शोर सुनकर जब लोग बाहर आए तब जो बदमाश थे वो मौके से फरार हो गए। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जो हमने कल आपको दिखाया था कि किस कदर बेखौफ होकर बदमाश आपराधिक वारदातें कर रहे हैं, जिनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा है। पीड़ित का कहना है कि लोग मदद करते तो शायद बदमाशों को पकड़ा जा सकता था। वहीं व्यापारियों का कहना है कि बाजार में सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। सीसीटीवी कैमरे करीबन 4 साल पहले लगाए गए थे, वो लगे तब से ही बंद पड़े हैं। वहीं इस मामले में पुलिस वही रटा रटाया बयान दे रही है कि केस दर्ज कर लिया गया है, जल्द आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी और बाजार में सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त करती है और समय समय पर नाकेबंदी भी की जाती है। जबकि सीसीटीवी कैमरे को लेकर पुलिस का कहना है कि तकनीकी दिक्कत की वजह से शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे हैं, जिन्हें ठीक कराया जाएगा। आधे रास्ते से ज़्यादा अपने घर पहुंच चुका था, तो वह गली में मुझे सामान देना था, तो जैसे ही मैं गली के अंदर पहुंचा, पीछे से एक बाइक आई और बाइक वाले ने मुझे लात मारी स्कूटी पे और फिर मुझे पेचकस मारने शुरू कर दिए। मेरी छाती पे 3 पेचकस मारे, इसका मुझे ये निशान भी है और यहाँ नीचे भी निशान है। उसके बाद उन्होंने मेरे पैसे खोजने शुरू कर दिए। मैंने हिम्मत करके उनको धक्का दिया और मैं किसी बंद मकान का दरवाज़ा खोल करके, दरवाज़ा खुला मिला और मैं अंदर घुस गया, पर वो पीछे पीछे आते गए। फिर दूसरा भी उतर के आ गया और उन्होंने छीना झपटी करी, बहुत देर लगी, 5 मिनट लग गए इस बीच। फिर मैंने अपना बचाव करके, उनकी किचन थी, उस किचन में मैं जाके बंद हुआ। जब जाके मैंने फ़ोन किया, बड़े भाई साहब को किया और चौकी में किया, फिर वो थोड़ी देर के बाद भाग गए और 30,000 रुपये का जो सामान था स्कूटी के ऊपर, जो किसी के घर देने जा रहा था, वो ले गए। ये पूरी वारदात कहाँ, किस जगह पर हुआ? ये आनंद नगर से आगे महेंद्र सचदेवा की गली है, यहाँ पर शराब का ठेका खुला हुआ है, जाट चौक से पहले। कैश तो मेरे पास उस टाइम 1,00,000 रुपये था, लेकिन कैश नहीं छीन पाया। कैश मैंने उनको छीनने नहीं दिया, मैंने पूरी हिम्मत से लगा रहा उनके साथ। वो मुझे मार भी रहे थे और पैसे भी छीन रहे, दोनों काम कर रहे थे वो। अब पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी फुटेज में भी कवर हुई। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हम देख रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो दिखाई दे रहा है, वहाँ बस बहुत से लोग भी खड़े थे। वो लोग बाद में आए हैं, जब वो सामान उठा रहे थे उस जब आए हैं, उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो वहीं पकड़े भी जाते वो। किसी ने हिम्मत नहीं करी। इस घर में मैं घुसा, उस घर में बेचारी एक लेडीज थी, उसने हिम्मत करी, भगाया उनको, उसने हिम्मत करी थी अपनी तरफ से पूरी, पर वो भागे नहीं। वहाँ खड़े लोगों ने कोई मदद नहीं, वहाँ खड़े लोग बाद में उन्होंने कोई मदद नहीं। अनिल अरनेजा, रेवाड़ी व्यापार मंडल शहरी वर्किंग कमेटी प्रधान। किस विषय में मिले थे आप? ये परसों रात को पंजाबी मार्केट के व्यापारी हैं भाई धर्मेंद्र छावड़ा जी, ये अपनी दुकान बढ़ा के अपने घर जा रहे थे, तो रास्ते में आनंद नगर के बाहर इनको 3 बाइक पे बदमाशों ने घेर लिया, इनकी स्कूटी धक्का दे के स्कूटी गिरा दी और इनसे नकदी छीनने की कोशिश करी और इनको पेचकस से वार किया। 2 पेचकस लगे तो ये साथ के मकान में जाके छुप गए, वो मकान के अंदर भी चले गए। इन्होंने उनकी रसोई का दरवाज़ा बंद करके अपनी जान बचाई, जब वहाँ लोग इकट्ठे हुए तब ये बाहर निकल कर आए। इस तरह से शहर में बहुत दहशत का माहौल व्याप्त है, तो आज इसी सिलसिले में हम SP साहब को एक ज्ञापन देने आए थे। SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि 1-8 दिन में ही उनको ट्रेस करके पकड़ लिया जाएगा। क्या कोई पहचान हुई है उनकी, कौन थे वो, कौन नहीं थे? नहीं, अभी कोई पहचान नहीं हुई है, CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं और लग रहा है कि 1 या 2 दिन में उनको
पकड़ लिया जाएगा। क्या बात है कि पहले भी इस तरह से वारदातें होती रही है और बार बार व्यापारी रोज भी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से वारदातें हो रही है कहीं ना कहीं सुरक्षा पर सवाल है। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है क्योंकि इस टाइम वैसे ही बाजार में काम नहीं है, व्यापारी बहुत परेशान है और पुलिस को बार बार हम चेता रहे हैं कि इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाया जाए ताकि ये जो रोष व्याप्त है व्यापारियों में ये दूर हो सके। ठीक है, बाजार में सीसीटीवी बंद पड़े हैं जो पहले लगाए थे। हम कई बार मांग कर चुके, बाजार में 4 साल पहले सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो बंद हैं। हम कई बार प्रशासन से, कमेटी से, एसएचओ साहब से, एसपी साहब से कई बार गुहार लगा चुके कि ये जितने भी कैमरे सीसीटीवी हैं इनको चालू किया जाए, इनसे बहुत मदद मिलेगी, लेकिन प्रशासन हमारी सुनता नहीं और आज तक कैमरे बंद हैं। इस संबंध में हमने FIR दर्ज कर रखी है और इसमें जांच जारी है। चाहिए और हमारे एसएचओ सिटी दोनों इस पर काम कर रहे हैं लगातार, इसमें जल्द ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा जिसने भी शरारत की है। उससे पहले भी एक दो वारदात हुई, वो लगातार हमने जल्दी उनका सॉर्ट आउट कर लिया था। उसके अलावा हम पूरे शहर के अंदर नाके लगाते हैं, शाम के टाइम चेकिंग करवाते हैं, कई बार उसको डिफरेंट टाइम में भी नाके लगवाते हैं। शहर के अंदर हमारी PCR है, पैदल पेट्रोलिंग है, तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। ये कोई वारदात हो इस वारदात को भी हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सर बार बार जो वारदातें होती है तो सुरक्षा का सवाल तो बार बार उठता ही है, आपकी जो नाकाबंदी आपने पेट्रोलिंग की हुई है तो कहाँ रहती है उस समय? नहीं, ये हमने टाइम बिंग लगाते हैं, जैसे शाम को 4 से 12 लगा दिए, 4 से 12 हम मेन चौकों में नाकाबंदी लगाते हैं, वो सभी अनुवांछित लोगों को, अनुवांछित व्हीकलों को चेक करते हैं। शहर में सर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं लेकिन वो लगे हैं जब से बंद है, कंट्रोल रूम आपके सिटी थाने में बना हुआ है, बंद पड़े हैं। उन्हें कुछ टेक्निकल दिक्कत है, उसको ठीक कराया जाएगा, जल्दी चालू करवा दिया।